मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे मिरेकल में दिए गए जीएसटी कमोडिटी के तीनों सेटअप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एचएसएन हेड टाइप। एचएसएन कोड 8 डिजिट का कोड होता है जो प्रोडक्ट्स को सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर में क्लासिफाई करने में मदद करता है। एचएसएन स्ट्रक्चर में 21 सेक्शंस जिसमें 99 चैप्टर्स अराउंड 1200 हेडिंग्स एंड 5224 सब हेडिंग्स दिए गए हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स HSN स्ट्रक्चर के चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 2 डिजिट्स चैप्टर के पर्टिकुलर हेडिंग को, अगले 2 डिजिट्स हेडिंग के अंदर के सब हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट 2 डिजिट्स टैरिफ आइटम को। तो चलिए अब समझते हैं मिरेकल में इसका सेटअप। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हेडिंग सेट होता है, मतलब कि जीएसटी कमोडिटी ऑप्शन में यहाँ पर HSN या SSC कोड में प्रोडक्ट का चैप्टर एंड रिलेटेड हेडिंग शो होगा। नाउ हेडिंग बटन पर क्लिक करके या फिर शॉर्टकट की Ctrl+S प्रेस करके हेड टाइप चेंज करें। ये शो हो गए HSN या SSC कोड्स विथ सब हेडिंग्स। अगेन इस बटन पर क्लिक करके हेड टाइप चेंज करें तो ये हो गया कोड टैरिफ आइटम के साथ। याद रखें कि यहाँ पर सेट हुआ हेड टाइप सेटअप में भी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट कमोडिटी सेटअप है डेसिमल पॉइंट फॉर जीएसटी परसेंटेज। बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 सेट होता है, मतलब कि जीएसटी रेट्स में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दाखिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सेट इट टू 3। सेमी प्रीशियस स्टोन्स जीएसटी स्लैब 0.25% में आते हैं। चलिए ये स्लैब क्रिएट करते हैं और समझते हैं डेसिमल पॉइंट का सेटअप। गो टू जीएसटी स्लैब, एड पर क्लिक करें, नए स्लैब का नाम दाखिल करें। हमारे किए गए सेटअप के अनुसार यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स दाखिल कर सकते हैं। नाउ 0.25% के हिसाब से अकॉर्डिंग SGST 0.125 एंड CGST 0.125 दाखिल करें एंड देन IGST दाखिल करके GST स्लैब सेव करें। तो ये था GST कमोडिटी में डेसिमल पॉइंट का सेटअप। लेट अस सी थर्ड सेटअप, GST कमोडिटी सर्च ऑन HSN और SSC कोड। इस सेटअप से प्रोडक्ट मास्टर में प्रोडक्ट एंट्री के दौरान जीएसटी कमोडिटी कोड्स के आधार पर या फिर कमोडिटी के नाम के आधार पर सर्च कर सकते हैं। सपोज हम कमोडिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम कमोडिटी के नाम के आधार पर जीएसटी कमोडिटी प्रोडक्ट डिटेल में सर्च करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में जीएसटी कमोडिटी फील्ड में यहाँ सेटअप के अनुसार फर्स्ट कॉलम कमोडिटी नेम की देख सकते हैं। पर्टिकुलर कमोडिटी का नाम टाइप करके कमोडिटी सर्च करें या फिर हिडन की टैब प्रेस करके HSN या SSC कोड के आधार पर भी कमोडिटी सर्च कर सकते हैं। ये टैब की तभी वर्क करती है जब सेटअप में कमोडिटी या HSN SSC कोड सेटअप हुआ होता है। नन ऑप्शन के लिए ये सेटअप डिसेबल है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा GST कमोडिटी का सेटअप।